हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, आज की क्लास में हम अपना ग्रामर का चैप्टर फाइव है द प्रनाउन, उसको समझेंगे। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी कि प्रनाउन होता क्या है। प्रनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अ प्रनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम यूज करेंगे वो होंगे हमारे प्रनाउन, ठीक है। जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज करेंगे वो होंगे हमारे प्रनाउन। अब संज्ञा किसको कहते हैं? जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं बेटा, वो सब नाउन है। जो भी हमारे चारों ओर है सब कुछ नाउन है। एग्जांपल देखिए जरा, सीमा इज स्विमिंग। सीमा क्या है हमारा? नाउन। इसकी जगह पर मैं यही लगा रही हूँ, शी इज स्विमिंग, तो शी क्या हुआ मेरा? प्रनाउन। ही, शी, इट, दे, मी, माइन, यूअर, हिम, हिज, हर, ये सब हमारे प्रनाउंस हैं। अब देखिए जरा, राम एंड मोहन आर कमिंग। राम एंड मोहन, ये हमारे दोनों क्या हो गए? नाउन। इन दोनों के प्लेस पर मैंने दे को यूज कर दिया बेटा, दे आर कमिंग, ठीक है, ये हुए हमारा प्रनाउन। नेक्स्ट देखो, मदर इज स्लीपिंग। मदर हमारा नाउन है, इसकी जगह पर मैंने शी को लगा दिया, शी इज स्लीपिंग, तो शी मेरा प्रनाउन है। अब आगे करेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रनाउन। सबसे पहले आता है मेरा पर्सनल प्रनाउन। हमें पर्सनल प्रनाउन के बारे में भी पता होना चाहिए बेटा। प्रनाउंस That stand for person, place, animals or things। जो सर्वनाम किसी person के बारे में, किसी place के बारे में, किसी animals के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हमें बताएंगे के स्थान पर use होंगे, वो होंगे हमारे personal pronoun। अब पर्सनल प्रनाउन देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के पर्सनल प्रनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, दीज आर प्रनाउन विच रेफर्स टू पर्सन हु आर स्पीकिंग। बोलने वाले जो इंसान होता है, जो बोलता है, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपको कुछ समझा रही हूँ, तो मैं क्या हुई? फर्स्ट पर्सन। और आप जो सुन रहे हो, आप हुए सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम कोई बात करेंगे वो होगा हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आते हैं आई, माई, माई, मी। और इसी को अगर मैं प्लूरल में करूँगी, आई से वी, आवर्स, आवर, अस। अब देखिए जरा, दिस इज माई बुक, ये मेरा फर्स्ट पर्सन चल रहा है, मैंने कर दिया ये, इसको अंडरलाइन किया, ये मेरा फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद वी आर फ्रेंड्स, अगर हमें अंडरलाइन करना पड़े इसको अंडरलाइन करेंगे और हम करेंगे ये फर्स्ट पर्सन। पर्सनल प्रनाउन है लेकिन उसका फर्स्ट पर्सन है। अब मेरा आता है सेकंड पर्सन, दीज आर प्रनाउंस विच रेफर्स टू द पर्सन और पर्सन टू स्पोकन टू। जो इंसान सुनता है, ठीक है, एक तो बोल रहा है, ठीक है, दूसरा जो सुन रहा है वो होता है हमारा सेकंड पर्सन।
इसमें सिंगुलर और प्लूरल में बेटा दोनों यही आते हैं, यू यूअर यूअर्स, यू आर टॉम। यू इसमें है पर्सन प्रोनाउन, लेकिन उसका सेकंड पर्सन है। दिस इज योर कार, ये भी हमारा क्या चीज है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, दीज आर द प्रोनाउंस विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स स्पोकन हो, जिसके बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जो हम बात करते हैं वह हमारा होता है थर्ड पर्सन। इसमें सिंगुलर में आता है ही शी हर हिम इट। अगर इसी को हम प्लूरल में करेंगे बेटा तो दे देयर देम। जैसे देखिए एक एग्जांपल इसके, दे आर बॉयज। दे क्या इसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा थर्ड पर्सन है ये, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा पार्ट है ये, थर्ड। ही इज जॉन, इसमें ही। ही क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन वो उसका थर्ड पर्सन है। अब सेकंड नंबर पर आता है मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ओन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, जो सब्जेक्ट कुछ एक्शन करता है और उस एक्शन का इफेक्ट उसके खुद के ऊपर पड़ता है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें सेल्फ को एडिट कर देते हैं बेटा, जैसे माय यूअर हिम हर है ना, ये अगर मैं इसको सेल्फ कर दूंगी ना तो ये बन जाएगा माय सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। और जो प्लूरल होते हैं उनमें सेल्व्स होता जाता है, जैसे आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ। इसमें इस चीज़ को देखकर ही बेटा यहाँ पर लगाता है, क्योंकि आई के साथ माई लगता है ना, इसीलिए इसको हमने माई सेल्फ कर दिया। इसके मैंने बेटा आपको टू टाइम्स काइंड्स करवा दिए हैं प्रोनाउंस के, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।